दोस्तों, यदि हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो उसका जिक्र आते ही हमारे दिलो दिमाग में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर देश में दहशतगर्दी का माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश करना चाहता है। हमारे देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा सीमा पर हो रही घुसपैठ को रोकने में ही चला जाता है, लेकिन शायद आप विश्वास नहीं करोगे ये जानकर कि कुछ ऐसे देशों के बॉर्डर भी हैं जहां बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना तो सेना की और ना ही किसी दीवार की। अलबत्ता इन इंटरनेशनल बॉर्डर पर वॉलीबॉल जैसे खेल भी आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि हम आपके सामने लाए हैं ऐसे ही 5 अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर्स की दास्तान, जिसे सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। नंबर 5, BIR ताविल। BIR ताविल अफ्रीकन महाद्वीप में मौजूद है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा हिस्सा है जहां कोई भी देश अपना कब्जा नहीं बताता। ये हिस्सा दिल्ली NCR से भी कई गुना बड़ा है। BIR ताविल एक ऐसी जगह है जहां एक नया देश बनाया जा सकता है, परंतु आज तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस जगह संसाधनों की मात्रा ना के बराबर है। कई लोग अपने खुद के झंडे लेकर इस जगह पर कब्जा करने के लिए गए, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आवश्यक संसाधन वहां न होने के कारण उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। नंबर 4, माउंट एवरेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि बात तो वीडियो में इंटरनेशनल बॉर्डर की चल रही थी, तो इस दुनिया में सबसे ऊंची चोटी का नाम कैसे आ गया? परंतु आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि माउंट एवरेस्ट न केवल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, जो कि नेपाल और चाइना को अलग करता है। नेपाल और चाइना के ये बॉर्डर माउंट एवरेस्ट की चोटी के बिल्कुल बीच में से होकर गुजरता है। नंबर 3, स्पेन मोरक्को बॉर्डर। स्पेन में उत्तर पूर्वी अफ्रीका के तट पर एक छोटा सा शहर है सियोटा। ये शहर चारों तरफ से मोरक्को से घिरा हुआ है। मोरक्को सियोटा और मोरिला नामक दोनों शहरों पर अपना अधिकार बताता है, जिससे परेशान होकर स्पेनिश सरकार ने 10 फीट ऊंची कंटीली दीवारों की दीवार बना दी। लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों लोग मोरक्को से इस बॉर्डर को पार करके स्पेन में आने की रोजाना कोशिश करते हैं। अपने इस कोशिश में बहुत से लोग तो बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। ये एक अफ्रीकन देश और यूरोपियन देश को आपस में जोड़ने वाला एकमात्र बॉर्डर है। नंबर 2, डर्बी लाइन बॉर्डर। डर्बी लाइन बॉर्डर अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है। ये बॉर्डर बिल्डिंग और घरों के अंदर से होकर जाता है। ये बॉर्डर कुछ इस तरह का है कि यदि कोई व्यक्ति इस बॉर्डर के बीच में खड़ा हो जाए तो वो आधा अमेरिका में और आधा कनाडा में पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नींद से उठते हैं तो कनाडा में और काम करने जाते हैं अमेरिका में। ये बॉर्डर उन बॉर्डर्स में से एक है जहां ना तो आर्मी की जरूरत है और ना ही किसी खुफिया पुलिस की। इसके अलावा एक मजेदार बात यह है कि इस बॉर्डर पर एक थिएटर भी बना हुआ है। यदि आप इस थिएटर में परफॉर्म करते हैं तो आप USA में हैं, और यदि वहां दर्शक बनकर नाटक का मजा ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप कनाडा में बैठे हैं। नंबर 1, बार्ले नसाल एंड बार्ले हटोक। नीदरलैंड और बेल्जियम का ये बॉर्डर दुनिया का सबसे अजीब बॉर्डर है। ये बॉर्डर बार्ले शहर में स्थित है। इस बॉर्डर के मध्य कोई ना तो दीवार है और ना ही तारों की कोई बाड़, बल्कि इसके मध्य महज एक सफेद रंग की पट्टी बनी हुई है। इस बॉर्डर पर एक रेस्टोरेंट भी है, जिसका आधा हिस्सा नीदरलैंड में है तो आधा बेल्जियम में। बॉर्डर पर बेल्जियम वाले हिस्से की ओर B लिखा गया है और नीदरलैंड वाले हिस्से की ओर NL लिखा गया है। ये बॉर्डर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां लोग खड़े होकर फोटो क्लिक करवाते हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इन 5 में से सबसे अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा लगा।